Hello viewers. So today we are just going to start our first lesson. And myself is Rizwan Ramzan. And today is the first lesson of English language. Let's start. We are going to study language. So first of all, I would like to tell you that language hai koi bhi ho, Spanish ho, Chinese ho, Italian ho, Arabic ho, Urdu ho, Sindhi ho, Hindi ho. चाहे दुनिया की कोई भी लैंग्वेजेस हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके चार पार्ट्स होते हैं. फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, स्लैंग, टैबो स्लैंग. ये फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? वो लैंग्वेज होती है जो हम अपने पेरेंट्स के साथ यूज करते हैं. जैसे कि आप वाली लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि आप ये कर लीजिए, आप बराए मेहरबानी यहाँ आ जाइए, आप हमारी बात सुनिए, आप हमारा होमवर्क चेक कर लीजिए. तो ये लैंग्वेज जो आप वाली लैंग्वेज कराती है उसको हम बोलेगा फॉर्मल लैंग्वेज. इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? जो आप नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दैट तुम ये कर लो, तुम टाइम पर क्यों नहीं आए, तुम यहाँ आओ, तुम वहां जाओ. तो तुम वाली लैंग्वेज को हम इनफॉर्मल बोल सकते हैं. स्लैंग स्लैंग लैंग्वेज हो सकता है कि किसी को बुरी लग जाए. फॉर एग्जाम्पल के अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है, ओके, तो आप उनको सर्व करते हो तो आप उनको बोलते हो फॉर एग्जाम्पल के ठूस लो. तो दिस इज नॉट अ गुड वे टू टेल योर गेस्ट के कुछ खाने के लिए ऑफर कर रहे हैं आप और आप उनको बोल रहे हो ठूस लो. तो जाहिर है कि दे विल माइंड कि यार किस किस्म की बात है या किस किस्म की लैंग्वेज है कि ये बंदा मुझसे इस तरह से बात कर रहा है. ओके, तो इसको हम स्लैंग लैंग्वेज बोलेंगे. और लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल के आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स आ रहे हैं आपके घर पे और आप उनको बोल रहे हो ठूस लो, खाना लगा रखा, ठूस ले तो लाइक दैट, तो वो माइंड नहीं करेगा, बोलेगा हाँ हाँ दे हो ला कर दे. तो ये स्लैंग लैंग्वेज. टैपो स्लैंग में सारी की सारी अब्यूसेस होती है. ओके, और ये एक छोटी सी कोटेशन है. व्हेन अ मैन सेज आई कैन नॉट, ही हैज मेड अ सजेशन टू हिमसेल्फ, अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ, इफ ए प्रॉब्लम देन आस्क मी, आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशंस अबाउट फॉर्मल लैंग्वेज एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड स्लैंग. ओके, आप देखेंगे फॉर्मल यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, यूज विद पेरेंट्स एंड टीचर्स. जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, तो आप बोलोगे जो पेरेंट्स और टीचर्स के साथ बात की, जिस तरह से बात की जाती है उसको फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं. इनफॉर्मल फ्रेंड्स के साथ जिस तरह डिस्कशन की जाती है, बैकग्राउंड पे आपके कहीं ना कहीं ये पता होगा कि फॉर्मल लैंग्वेज मतलब आप वाली लैंग्वेज होगी, इनफॉर्मल मतलब तुम वाली लैंग्वेज. स्लैंग लैंग्वेज हो सकता है कि किसी को तब मैं नोट लाइक दिस, हो सकता है किसी को ये लैंग्वेज अच्छी ना लगे, लेकिन वही अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स होंगे तो दे विल नॉट माइंड. अच्छा एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं कुछ खाने के लिए दे रहे हैं. अच्छा इंग्लिश के अंदर खाने के लिए ईट का वर्ड भी यूज होता है, हैव का भी यूज होता है और टेक का भी यूज होता है. तो मैंने यहाँ पर टेक भी यूज कर लिया, हैव भी यूज कर लिया. ओके, अच्छा प्लीज हैव इट, बराए मेहरबानी ये खा लीजिए या ये खा लो या ये खा लें. ओके, ये खा लीजिए प्रॉपर वर्ड होगा इसके लिए, प्लीज हैव इट. अगर आप अपने पेरेंट्स या टीचर को, और अगर वही अपने किसी दोस्त को बोल रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं कि ब्रो मिस खा लो भाई या खा लो या ठीक है ड्यूड खा लो दोस्त, स्वेलो इट. स्लैंग में बोलेंगे स्वेलो इट मिस चूस लो या से निगल लो. सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं, प्लीज हैव अ सीट. अगर आपने पेरेंट्स को या टीचर को बोलेंगे बैठने के लिए तो क्या वर्ड यूज करेंगे? प्लीज हैव अ सीट, बराए मेहरबानी तशरीफ रखिए. ये अपने दोस्त को बोलेगा सिट डाउन, बैठ जाओ, या हैव अ सीट, बैठ जाओ. और अगर ये आप किसी लाइक स्लैंग वर्ड यूज करेंगे तो फिर डरेगा चेयर, बोला चेयर मीन्स कुर्सी घसीट ले, कुर्सी घसीटे, कुर्सी घसीट ले बे, लाइक दैट. नेक्स्ट इज आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस, दैट इज is the difference between alphabet and letter. Zara socho and then reply to me. Alphabets aur letters ke beech mein kya difference hai? Like we have been studying alphabets and letters bachpan mein nursery ke gym mein aur first second class mein homework bhi milta tha. Capital alphabets, small alphabets, homework ye kar kar aana ghar se. To alphabets aur letters ke beech mein kya difference hai? Socho and then let me know. Anyways, अगर आपने सोच लिया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं आपके जहन में आ रहा तो देन आई विल टेल यू कि अल्फाबेट्स और लेटर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है.
देखो अल्फाबेट्स क्या होता है, एन अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सिंबल्स यूज्ड टू राइट अ लैंग्वेज। मीन्स कोई भी लैंग्वेज को लिखने के लिए जितने भी सिंबल्स यूज होते हैं उनको अल्फाबेट्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ए टू जेड अगर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, ए टू जेड अगर सिंबल्स लिखे हुए हैं, ए बी सी डी टू जेड तक, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, अल्फाबेट्स कहलाएंगे। और अगर आप ईच ऑफ दीज सिंबल्स इज कॉल्ड अ लेटर, और अगर आप इन अल्फाबेट में से कोई भी एक सिंबल पिक करते हैं उठाते हैं तो उसको मैं लेटर बोलूंगा, उसको हम लेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अल्फाबेट्स में से ए उठा लिया होगा तो ये ए क्या कहलाएगा, लेटर कहलाएगा। एल उठा लिया तो ये आपका लेटर कहलाएगा। आई आपने उठा लिया तो ये आपका एक लेटर कहलाएगा, तो ये नाम बन गया अली। नेक्स्ट करते हैं वर्ड। देखो ये वर्ड क्या चीज होती है, लेटर मीन्स अल्फाबेट से कोई भी एक सिंबल आपने पिक किया हुआ है, और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स एक दो या दो से ज्यादा, इज कॉल्ड अ वर्ड। कोई भी एक लेटर हो या ग्रुप ऑफ लेटर हो इसको हम वर्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे जी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, तो जी ओ बन गया, ये ग्रुप ऑफ लेटर हो गया, तो ये एक वर्ड बन गया गो। एंड ए एन डी, ए एक लेटर है, एन एक लेटर है, डी एक लेटर है, तो ये आपका कंबाइन होकर ग्रुप ऑफ लेटर बन गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वर्ड। एंड अंडरस्टैंड, इसी तरह से यू एन डी ई आर एस टी ए एन डी, ये लेटर्स है एंड आपने इनको कंबाइन कर दिया तो ग्रुप ऑफ लेटर्स बन गया होगा। तो कोई भी लेटर हो या ग्रुप ऑफ लेटर हो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। अब सेंटेंस क्या होता है, अब सेंटेंस जिससे कि मैंने वर्ड आपको बता दिया, सेंटेंस क्या होता है, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड अ सेंटेंस विच शोज द कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, विच शोज द कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। ओके, इसमें मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, विच शोज आएगा। ओके, ऐसा आ जाएगा विच विच शोज द कंप्लीट, ये आर नहीं आएगा। ओके, कंप्लीट 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 में स्पेलिंग में मिस्टेक है तो उसको आप खुद करेक्ट कर लें। मैंने जल्दी जल्दी में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो है जल्दी जल्दी में बस ये चेक नहीं हुआ मुझसे, आई एम सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। ओके, सेंटेंस क्या होता है, कोई भी एक वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं जिससे कंप्लीट मीनिंग और सेंस समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल के कोई भी अगर आपको वर्ड बोलेगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलेगा तो फिर आपको कंप्लीट मीनिंग समझ में आएगी कि एग्जैक्टली सामने वाला बंदा आपसे बात क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ आई स्पीक इंग्लिश, तो आई एक वर्ड हो गया। ओके, स्पीक ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया तो वर्ड बना। ओके, और ये एक वर्ड कहलाएगा इंग्लिश। आप इंग्लिश जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स से आपने एक वर्ड बनाया तो आपने तो कंबाइन कर दिया तो यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया आई स्पीक इंग्लिश। तो अब मैंने क्या बोला आपको, आई स्पीक इंग्लिश। तो अगर आपको, आप बाद में अगर कोई आपसे पूछता है कि सर कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं तो फिर क्या, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं सर, तो आप क्या बोल सकते हो कि सर स्पीक इंग्लिश। ओके, तो आपको बात समझ में आ गई, कंप्लीट मीनिंग एंड कंप्लीट सेंस समझ में आ गया कि मैंने किस लैंग्वेज की बात की। तो हर वो सेंटेंस या हर वो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स से आप कंप्लीट मीनिंग और सेंस समझ में आ जाए उसको मैं सेंटेंस बोलूंगा। ओके, गो फ्रॉम हेयर। अब गो फ्रॉम हेयर क्या होता है, आप जैसे कि गो एक वर्ड हो गया, फ्रॉम एक वर्ड हो गया, हेयर एक वर्ड हो गया। अब ये तीन वर्ड्स के जो है आपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंबाइन कर दिया तो आपको अगर कोई शख्स बोलता है गो फ्रॉम हेयर तो वो कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस समझ में आता है कि वो बंदा आपसे क्या चाह रहा है। वो चाह रहा है कि भाई फॉर द टाइम बीइंग आप वहां से चले जाओ, तो आप उसकी बात समझ जाओगे और उसको बोला गुड बाय एंड लीव कर दोगे उस जगह। ओके, एंड राइट फास्ट। अगर आप लाइक राइट फास्ट, फिर अगर स्लो लिख रहे होगा तो फिर आप थोड़ा स्पीड में लिखने लग जाओगे। रन फास्ट, तेज भागो, तो फिर अगर कोई आपको बोलता है कि रन फास्ट, अगर आप स्लो भाग रहे हो तो फिर आप तेज भागना शुरू कर दोगे। ओके, स्टडी हार्डर, वर्क हार्ड। ओके, तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे ज्यादा तो अगर आप उसकी बात सुनोगे तो आपको कंप्लीट मीनिंग और सेंस समझ में आ गया तो फिर आप ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दोगे। तो सेंटेंस क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिससे आपको कंप्लीट मीनिंग और सेंस समझ में आ जाए उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सब्जेक्ट। अब लिखा हुआ है डेफिनेशन, अ पर्सन और अ थिंग हु परफॉर्म्स एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। में सब्जेक्ट क्या होता है,
उर्दू में बिल्कुल आसान वर्ड में अगर मैं लेमैन की जुबान में बात करूं तो दैट इज कोई भी काम करने वाला शख्स, कोई भी काम करने वाला, उसको क्या बोलेंगे हम, सब्जेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एग्जाम्पल जहाँ पर दी हुई है, ही यूजेस सेलफोन, वो सेलफोन इस्तेमाल करता है। ओके, अब ये सब्जेक्ट जो है वो हाईलाइट भी हुआ हुआ है, बोल्ड हुआ हुआ है और अंडरलाइन भी। ओके, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ही यूजेस सेलफोन। अब सेलफोन कौन यूज कर रहा है, ही, तो ही इसमें क्या हो जाएगा, काम करने वाला कौन है, ही, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। वी लर्न चाइनीज लैंग्वेज, हम चीनी जुबान सीखते हैं। अब चाइनीज लैंग्वेज कौन सीख रहा है, वी, हम, तो हम इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो जाएगा। शी स्पीक्स तुर्किश, वो तुर्की बोलती है। ओके, तो उर्दू में तो बोलेंगे वो तुर्की बोलती है, नहीं वो तुर्की बोलती है। ठीक है, शी स्पीक्स तुर्किश, तो इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट हो जाएगा। दे प्ले फुटबॉल, और इस सेंटेंस में अभी फुटबॉल कौन खेला, वो, तो मुझे पता है काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, तो इस वजह से दे जो है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। दे गो टू ऑफिस, वो ऑफिस जाते हैं, तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या कहलाएगा मेरा, दे। दैट डॉग बार्क्स इन द नाइट, रात में वो कुत्ता रात में भौंकता है। ओके, ये ट्रांसलेशन होगी इसकी। एनीवेज, तो दैट डॉग क्या हो जाएगा, वो कौन रहा है, वो दैट डॉगी। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सब्जेक्ट बोलेंगे। दिस फैन डज नॉट वर्क, नॉर्मली फैंस डू नॉट वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम, लोड शेडिंग प्रॉब्लम। एनीवेज, ये फैन काम नहीं करता है, तो दिस फैन डज नॉट वर्क। ओके, तो दिस फैन क्या होगा यहाँ पे मेरे पास, सब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, एंड आई जस्ट वॉन्ट यू के तीन चार सेंटेंस आप खुद भी सोचो जिसमें आप खुद हाईलाइट करो कि सब्जेक्ट उसके अंदर क्या है। ओके, थैंक यू। तो नाउ अब टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे हम, के क्या है, मेरा ख्याल है कि लास्ट स्लाइड है ये हमारे आज के टॉपिक की। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट जैसे कि आई, आई का मतलब होता है मैं, ये या आपने याद करना है। हम की इंग्लिश होती है वी, तुम या आप। ओके, इसको बोलते हैं यू, वो प्लूरल, इसको बोलते हैं दे। मीन्स अगर दो चार लोग खड़े हुए, दे आर माई फ्रेंड्स। ओके, तो मतलब दो चार लोग होंगे, प्लूरल मतलब दो या दो से ज्यादा लोग जमा, तो दे के लाएगा। ओके, ही मतलब होता है लड़के के लिए यूज करते हैं, बॉय के लिए यूज किया जाता है। शी जो है वो लड़की के लिए यूज किया जाता है, मीनिंग होती है वो। इट मतलब होता है ये, सिंगुलर नाउन मतलब होता है वाहिद, कोई भी एक शख्स। प्लूरल नाउन मतलब होता है जमा, दो या दो से ज्यादा लोग, उसको प्लूरल नाउन बोलते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, जैसे कि सब्जेक्ट कितना है, सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला, तो कितनी है, नाइन, कौन कौन सी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, ये आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। ओके, एंड आई थिंक, तो आपको आज की वीडियो का जो मैसेज है, जो वर्क है, जो काम है, वो समझ में आ गया होगा। इन केस के अगर कोई इशू है आपको, तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, इधर यू कैन ईमेल मी ऑन माय नंबर, ऑन माय ईमेल एड्रेस, और यू कैन जस्ट सेंड मी मैसेज ऑन माय नंबर। सो माय नंबर एंड ईमेल एड्रेस आई एम जस्ट गिविंग इन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, एंड वी मीट नेक्स्ट टाइम। एक छोटी सी ये क्वेश्चन है, व्हेन अ मैन सेज आई कैन नॉट, ही हैज मेड अ सजेशंस टू हिम सेल्फ, मींस ही विल नेवर बी, ही कैन नेवर डू एनीथिंग बिकॉज़ ही हैज मेड अ सजेशन के ही रियली कैन नॉट। So always think positive about yourself. Thank you so very much. We'll meet in next video. Till then, take extra care of yourself. Bye bye.